हेलो हेलो हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिकाज़ वर्चुअल लाइफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना भारी आवाज़ है, तो जी हाँ, मुझे सर्दी हो रखी है और इस वजह से ही तबीयत ख़राब होने के वजह से मैं व्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। बट ये व्लॉग तो कंटिन्यू करना बनता है क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो ये उसका व्लॉग है। और यहाँ मैं सुबह सुबह उठकर पार्लर गई थी ताकि अपना बाल सेट करा सकूं, क्योंकि कर्ली हेयर को मैनेज करना बहुत टफ काम होता है। जिनका भी कर्ली हेयर होगा वो एग्री करेंगे इस और बात पायल से। के मेहंदी में जाने के लिए सब लोग रेडी हैं, और आगे और भी लोग मिलेंगे, उन लोगों से भी आप लोगों को मिलवाते हैं कौन कौन जा रहे हैं हम लोग साथ। तब तक आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू रहिए और गाड़ी से उतरते हैं, फिर आप लोगों को हम लोग अपना फुल लुक दिखाएंगे। ये दोनों हम लोगों के, और आप लोगों को दिखाते और भी ब्यूटीफुल लेडीज लोग। यहाँ ये लोग खड़ी है सब रेडी होकर, और सब लोग अब बैठने के लिए गाड़ी में भी रेडी है। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और हम जो ब्राइड टू भी है वो वहाँ गुस्सा से फायर होगी कि ये लोग कहाँ हैं, लेकिन कोई नहीं, हम लोग पहुँच जाएंगे और फिर आप लोगों को उससे भी मिलवाएंगे। दोस्त की शादी हो तो दोस्त का एक्साइटमेंट ही अलग होता है, तो हम सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये शादी जो है वो गांव से हो रहा था और मुझे ये फर्स्ट टाइम चांस मिला कि मैं गांव में जाऊं और वहां पे जाकर शादी एंजॉय करूं। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। शहरों में जो शादियां होती हैं वो तो सब लगभग सेम ही होती हैं, वही हल्दी वही मेहंदी और ऐसे करके होता है, पर ये शादी थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए। बस अब कुछ ही देर में हम लोग ब्राइड के घर पहुंच जाएंगे, तो आप लोग भी देखिए कि उसका गांव कैसा है। और हम लोग गांव में एंटर करते ही वहां का नज़ारा बिल्कुल अलग है। चारों तरफ हरियाली है और गांव का छोटा छोटा जो चीज़ होता है वो सब अलग होता है। तो आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए। फिर आप लोगों को थोड़ी देर में ब्राइड से भी मिलवाते हैं, उसका घर भी दिखाते हैं और किस तरह से वहाँ पे फंक्शन हो रहा है सब दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और हाँ, आगे भी बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे उसके शादी के, और भी जो जो फंक्शंस होते हैं शादी में उस सब के व्लॉग्स आएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और अगर आप कोई भी अपडेट लेटेस्ट तुरंत चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मोनिका BGS, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे रील्स मिलेंगे और कोई भी अपडेट तुरंत मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे डालने के लिए व्लॉग्स को एडिट करना होता है, हर कुछ करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लोगे तो वहाँ पर आपको ईजिली सब कुछ तुरंत दिख जाएगा। तो यहाँ हम लोग फाइनली उसके घर पे पहुँच गए हैं और शादी वाला घर लग रहा है, वहाँ पे टेंट पंडाल सब लग रहे थे। तो आप लोग देखिए, अब आप लोगों को दुल्हन से मिलवाते हैं। और ये रही ब्राइड, तो आप लोग इसको मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखे होंगे, पर उससे आज के दिन वो कुछ अलग ही लग रही थी। तो और यहाँ पे हम लोग सब उसके घर के फैमिली मेम्बर्स से मिल रहे थे, कौन है, मतलब वो लोग भी पूछ रहे थे और हम लोग भी कि कौन है भाभी,
आंटी बहन तो हम लोग सब यहाँ पे मिल रहे थे। और फिर आगे आगे मेहंदी भी लगेगा, तो आप लोग देखते ये रहिए। पायल की बड़ी भाभी है जो सबसे पहले मेहंदी लगाने बैठ गई थी, क्योंकि कुछ काम होगा तो फिर वो कर पाए। और यहाँ पे सब मेहंदी जो लगाएंगी, जो मेन ब्राइड को लगाएंगी, वो अभी तक नहीं आई थी, इसलिए हमारी ब्राइड घूम रही है और उसको कॉल कर रही है कि भाई जल्दी आओ लगाओ। और यहाँ पे सारी फ्रेंड्स खड़ी होकर गाना चलने का वेट कर रही थी ताकि वो सब डांस कर सके। और ये जो है वो पायल की छोटी भाभी है, मतलब इनके बाद वाली। तो सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं और यहाँ पे हमारी ब्राइड। ये देखिए, ये डांस के लिए जीजा जी रेडी हैं। दुपट्टा उपट्टा ले, वैसे एकदम सही लग रहे हैं आप, रखे रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। ये मेरी दुल्हन जो है ये पहले से टीम ग्रूम में है, थोड़ा दिखाना बेबी, ये पहले से टीम ग्रूम में जा चुकी है। ये है पायल की मम्मी जिनको मेहंदी लग रहा है, ये देखिए। और मेहंदी का स्पीड देखिए लगाने का, एकदम फटाफट लगा रही है। और ये पायल की बड़ी मम्मी और वो बुआ जी। कॉपीराइट के वजह से यहाँ पे मैं गाना नहीं डाल पा रही हूँ, गाना बंद करना पड़ रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताइए ज़रूर कि ये लोग किस गाने पे डांस कर रहे हैं। इन लोगों का डांस देखकर आप लोग कमेंट पे बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये लोग कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं। ये दोनों दो कोने पे बैठे हुए हैं, इन दोनों को डांस करने के लिए कहा गया, तो एक उधर और एक उधर बैठे हुए थे, आराम से गाना सिलेक्ट कर रहे थे बैठकर। और ये दुपट्टा उपट्टा लेके रेडी है डांस के लिए। और यहाँ पे पायल को लगेगा शगुन का मेहंदी, जो घर का कोई लोग लगाता है, तो उसका भाई जो है वो पायल को सबसे पहले मेहंदी लगा रहा है, फिर हम सब उसको थोड़ा थोड़ा मेहंदी लगाएंगे
और फिर मेहंदी वाली उसको लगाएगी। तो आप लोग देखिए और लास्ट में देखिएगा कि उसकी मेहंदी अच्छी लगी या नहीं। और जब मैं शादी वाले दिन जाऊंगी तो दिखाऊंगी उसकी मेहंदी का कलर, क्योंकि हम लोग तो आ जाएंगे वहां से। और अब यहाँ पे पायल के दोनों जीजा जी भी आ गए हम लोग के साथ बैठकर फोटो क्लिक करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का फोटो सेशन चल रहा है और बगल में सारी लड़कियाँ डांस भी कर रही हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये व्लॉग? गाना नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे इंजॉय करिए और खूब सारा प्यार दीजिए। जीजा साली परफॉर्मेंस चल रहा है जो आजकल का बहुत हिट गाना है, बुलेट पर जीजा। तो यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ये मेहंदी का फंक्शन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट ज़रूर करिएगा। ये हम लोग घर के लिए निकल गए।